हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास अपना डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, यानी स्कल की पोजीशनिंग, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नेजल बोन का लेटरल व्यू। एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो नेजल बोन के लेटरल व्यू का इंडिकेशन क्या था? फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजीज कंडीशन। नेजल बोन के लेटरल व्यू में पेशेंट की पोजीशन क्या थी? पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, पेशेंट टेबल पे उल्टा लेटेगा। हेड को क्या करेंगे? आइदर साइड रोटेट करेंगे। जो अपनी अफेक्टेड साइड है वो क्या है? कैसेट के टच में रहनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन टेबल के पैरेलल हो जाएगा। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी। और पेशेंट का ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होगा? टेबल के पैरेलल रहेगा। उसके बाद कैसेट की पोजीशन कहाँ पे थी? जहाँ पे अपना जो नोज है वो कैसेट के सेंटर पॉइंट में आना चाहिए। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ पे की थी अपन ने लेटरल व्यू में? रूट ऑफ नोज पे, बिल्कुल नोज के रूट पे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या था? अपने को नेजल बोन क्लियर सीन हो रही थी, और उसके सराउंडिंग जो नोज के सॉफ्ट टिश्यू वो भी क्लियर दिखाई दे रहे थे। अब अपने बात करेंगे नेजल बोन के सुपीरियर इंफीरियर व्यू के। सुपीरियर मतलब ऊपर से एक्सरे जाने वाली, और इंफीरियर अंदर की तरफ। ऊपर से अंदर की तरफ जो एक्सरे जा रही है, तो कौन सा व्यू हो गया? सुपीरियर इंफीरियर व्यू। और क्या बोलेंगे इसको? वर्टिको मेंटल व्यू। वर्टेक्स पार्ट से, यानी स्कल के ऊपरी पार्ट से मेंटल यानी मैंडिबल बोन की तरफ जो एक्सरेज आएगी, उसको अपने क्या बोलेंगे? वर्टिको मेंटल व्यू। ये व्यू कोस में होता है अपना नेजल बोन का, ऑक्लूजल फिल्म में होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपने? ऑक्लूजल व्यू भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इसके इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशन क्या होंगे? फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी फ्रैक्चर हो गया, कोई पैथोलॉजी कंडीशन, तो उस कंडीशन में अपने ये व्यू करते हैं। कैसेट साइज रहेगा अपना 8 10 और 10 12। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट एक्सरे टेबल पर सीधा लेटेगा। पेशेंट चिन एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ पिलो। पेशेंट के चिन को क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। किसकी सहायता से? पिलो की सहायता से। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा? टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की जो तो इंट्रा ऑर्बिटल या इंट्रा प्यूपिलरी लाइन है वो टेबल से पैरेलल रहेगी। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना क्या होनी चाहिए? टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहनी चाहिए। पेशेंट ऑर्बिटोमीटर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होगी? टेबल से परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद देखो पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो ओक्लूजल फिल्म इज प्लेस्ड। अपन ने शुरू में बात की थी इस व्यू में अपने कौन सी फिल्म लगाते हैं? ओक्लूजल फिल्म, तभी इसका नाम क्या है? ओक्लूजल व्यू। तो ओक्लूजल फिल्म इज प्लेस्ड इन द माउथ एंड हेल्ड जेंटली बिटवीन द टीथ, सो दैट अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट ऑफ द फिल्म प्रोजेक्ट्स आउटसाइड माउथ। क्या करेंगे? एक ओक्लूजल फिल्म लेंगे और उसको अपने माउथ में रखेंगे, और दोनों दांतों के बीच में उसको पकड़वाएंगे। सो दैट, ताकि उसका 2/3 पार्ट, फिल्म का 2/3 पार्ट मुंह से बाहर रहे, आउटसाइड द माउथ। अब क्या करेंगे? इट वुड बी इंश्योर दैट द फिल्म शेडो ऑफ नोज शो ऑन द फिल्म। तो क्या करेंगे? जो अपने पहले अपने इंश्योर कर लेंगे कि जो नोज की शेडो है, शेडो ऑफ नोज, वो क्या फिल्म पे अपने क्लियर दिखाई देनी चाहिए। ये इस डायग्राम में देखो, अपने जो पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है।
इसकी मिडल सेटेराइटल प्लेन क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर है, और ऑर्बिट से मीटर्स तक आने वाली लाइन ऑर्बिटोमीटर्स लाइन क्या है, परपेंडिकुलर रहेगी, और दोनों प्यूपिल या दोनों ऑर्बिट्स के बीच की लाइन इंट्रा ऑर्बिटल या इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहेगी, टेबल के पैरेलल रहती है। और अब इसकी देखो कैसेट की पोजीशन, कैसेट क्या है, मुंह के अंदर दोनों दांतों के बीच में पकड़ी हुई है, और कैसेट का 2/3 पार्ट क्या है, मुंह के आउटसाइड है। अब इंश्योर क्या करेंगे, देखो सेंटरिंग आ रही है, सेंटरिंग पे क्या अपने क्या दिखाई देना चाहिए, जो नोज है वो अपने को कैसेट पे या फिल्म पे उसकी शेडो दिखाई देनी चाहिए, तब अपने मानते हैं कि सेंटरिंग बिल्कुल अपनी सही है। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की, तो सेंट्रल रे ओवर द रूट ऑफ नोज एट राइट एंगल टू द ओक्लूजल फिल्म, अपन ने शुरू में बात की थी, ये व्यू किस में होता है, ओक्लूजल फिल्म में होता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ओक्लूजल व्यू। तो सेंटर रे अपनी कहाँ पे होनी चाहिए, रूट ऑफ नोज पे, और राइट एंगल टू द ओक्लूजल फिल्म, जब अपने सेंटरिंग करते हैं तो ओक्लूजल फिल्म पे अपने क्या है, नोज की शेडो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। कॉलीमेटर शुड बी यूज ड्यूरिंग द एक्सपोजर, कॉलीमेटर का यूज करते हैं अपने एक्सपोजर देते टाइम। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, अब अपने को इमेज में क्या दिखाई देता है, द नेजल बोन आर सीन आइदर साइड ऑफ द नेजल सेप्टम इंक्लूडिंग द शेडो ऑफ बोथ द नेस्ट्रिल्स, नेजल बोन दिखाई देती है और दोनों साइड में क्या, नेजल सेप्टम के, इंक्लूडिंग द शेडो ऑफ बोथ नेजल नेस्ट्रिल्स, जो अपने नाक के सॉफ्ट टिश्यूज है, नाक की शेडोज है, वो अपने को दोनों साइड क्लियर सीन होगी, और उसके बीच में अपने क्या नेजल बोन दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं अपने एक्सपोजर की, एक्सपोजर क्या क्या देंगे, तो इसमें डिस्टेंस रखते हैं अपने 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी देते हैं अपने 50, एमएस कितना रखेंगे 10 से 12, और ग्रिड का यूज अपने नहीं करेंगे। देखो इसमें एक ओक्लूजल व्यू का दिखाया गया है, जिसमें माउथ में ओक्लूजल फिल्म लगी हुई थी, ये अपने क्या है राइट नेजल बोन है, ये लेफ्ट नेजल बोन है, और ये क्या है नेजल सेप्टम है, और ये नोज के अपने को सॉफ्ट टिश्यूज की शेडो दिखाई दे रही है, तो दोनों साइड में नेजल बोन दिखाई दे रही है, और बीच का नेजल सेप्टम दिखाई दे रहा है, और सॉफ्ट टिश्यू भी इसमें क्लियर सीन हो रही है। अब अपने एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, तो नेटल नेजल बोन के सुपीरियर इंफीरियर व्यू नाम होता है, दूसरा नाम होता है इसका वर्टिको मेंटल व्यू, और इसको अपने ओक्लूजल व्यू भी बोल सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या रहता है, फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन, कोई भी फ्रैक्चर हो गया या कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है, तो पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सटेबल, एक्सटेबल पर पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, जिनको हल्का सा एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो, पिलो की सहायता से। अब मिडल सेजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन क्या रहती है, पैरेलल टू द टेबल, ऑर्बिटोमीटर लाइन कैसे रहेगी, ऑर्बिटोमीटर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ कैसेट, कैसेट के पोजीशन कहाँ पे रहनी चाहिए, तो अपने इसमें एक ओक्लूजल फिल्म लेते हैं, जिसको अपने दोनों दांतों के बीच में पकड़ते हैं, और जो फिल्म है उसका 2/3 पार्ट क्या है, माउथ से बाहर रहना चाहिए, और सेंटरिंग करते टाइम अपने ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो अपने नोज की शेडो है वो अपने को ओक्लूजल फिल्म पे क्लियर दिखाई देनी चाहिए। सेंटरिंग अपने कहाँ पे करेंगे, रूट ऑफ द नोज पे। उसके बाद बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में ये देखो अपने इसमें क्या दिखाई देगा, नेजल सेप्टम दिखाई देगा, और उसके दोनों साइड नेजल बोन दिखाई देगी, और जो नेस्ट्रियल्स है यानी नोज की सॉफ्ट टिश्यूज की शेडो वो अपने को क्लियर सीन हो जाती है।